तो मेरे पास अभी ये क्वेश्चन आया है, मेरे से पूछा है कि भाई बाबा रामदेव तो ये कहते हैं कि कपालभाति से करीब 99% शरीर की सब बीमारियां ठीक हो सकती हैं, या कपालभाति से हजारों तरीके की बीमारियां सॉल्व हो सकती हैं, और आप ये कह रहे हैं कि कपालभाति इसके काफ़ी नुकसान भी हैं। तो मेरा जो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए कि अगर बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि 99% शरीर की सारी बीमारियां सॉल्व हो सकती हैं कपालभाति से, तो मेरा आंसर ये है इस क्वेश्चन के लिए कि आपको चाहिए कि आप बाबा रामदेव जी से जाके पूछिए कि अगर शरीर की 99% बीमारियां सिर्फ कपालभाति से ठीक हो सकती हैं, तो फिर ये हजारों करोड़ की फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है दवाइयों की? आप सोच के देखिए, अगर सिर्फ कपालभाति से ही हजारों तरीके की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो इतनी सारी फैक्ट्रियां दवाइयां बनाने की क्या जरूरत है? कपालभाति कराइए, अनुलोम विलोम कराइए, सब प्रॉब्लम खत्म करवा दीजिए, सारी बीमारी खत्म करा दीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है कोई दवा बना के बेचने की। आपको क्या लगता है? देखिए, हाथा योगा एक्सरसाइजेस के और कपालभाति प्राणायाम वगैरह या अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह के बेनिफिट हैं? हाँ हैं, डेफिनेटली हैं, ऐसा नहीं है। मैंने उस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है ठीक से कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं अगर आप इनको ठीक तरह से ना करें तो। और कपालभाति के अंदर अगर आप सपोज करिए बहुत जोर से कपालभाति कर रहे हैं, और अगर आपको बेसिकली सपोज करिए इंग्विनियल हर्निया की प्रॉब्लम है, तो वो हर्निया की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। या अगर आप आधा आधा घंटा कपालभाति खींच रहे हैं या 15 मिनट कपालभाति खींच रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। आई मीन इट कैन बेसिकली इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और भी कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं। देखिए, असल में होता क्या था कि पुराने जमाने में, एंशंट टाइम्स में, जैसे लोग ध्यान में अपने लीन हैं, तो जब मेडिटेशन कर रहे हैं 10 10 घंटे 12 12 घंटे, तो उसके लिए आपको बहुत एक हेल्दी बॉडी चाहिए। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, तो आप ठीक से 10 12 घंटे रोज मेडिटेशन नहीं कर सकते, ध्यान में लीन नहीं हो सकते। तो एक हेल्दी बॉडी, पहले तो समझा दो हेल्दी बॉडी का मतलब क्या है। हेल्दी बॉडी का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे आपने मसल्स बना रखे हैं या गुल्ले बना रखे हैं आपने मोटे मोटे, एंड दैट बेसिकली मीन्स हेल्दी। हेल्दी बॉडी सिंपली मीन्स, हेल्दी बॉडी का सिर्फ एक मतलब है कि आपके शरीर के सारे ऑर्गेन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, दैट्स इट, और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो एक शरीर को अच्छे से फंक्शन करने के लिए जो कुछ एक एंशियंट योगी से उन्होंने एक दे डेवलप ए सिस्टम, यू नो, ए सेट ऑफ हाथा योगा एक्सरसाइजेस, एंड अलॉन्ग विद दैट जैसे आपका ये प्राणायाम जो है, दैट इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड। तो इनका एक पर्पज है कि आपकी शरीर हेल्दी रहे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, और माइंड आपका काम रहे। सो विद अ काम एंड हेल्दी माइंड, यू कैन सिट बेसिकली फॉर आवर्स इन अ डीप मेडिटेशन। दैट वॉज द ओरिजिनल पर्पज। एंड ऑफकोर्स जो ये आपकी हाथा योग एक्सरसाइजेस हैं, प्राणायाम हैं, ये आपका एक इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप करते हैं। सो दे एक्चुअली ऑल्सो एक्ट एज ए प्रोटेक्शन, ये एज ए प्रोटेक्शन एक्ट करते हैं काफी बीमारियों के लिए, बट दे वर नॉट बेसिकली एज ए क्योर। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको लगता है कि ये, अगर आपको बाबा रामदेव जी ठीक कह रहे हैं, तो आई थिंक आपको उनसे जाके पूछना चाहिए कि दवाइयाँ बनाने की सब क्या जरूरत है फिर। और अगर आप और डीप में जाना चाहें, इज अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने इन सब चीजों से राजीव दीक्षित जी को क्यों नहीं ठीक कर लिया। एनी हाउ, मेरा सिर्फ यही पर्पज़ है कि ये सब चीज़ों के बेनिफिट हैं, बट इन सब के नुकसान भी हैं अगर आप इन्हें गलत तरह से करें तो। एंड इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि आप कपालभाति करें और 99% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं आपको और नोटिफिकेशन मिले जब दूसरे हेल्थ वीडियोज़ अपलोड हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियोज़ विद अदर पीपल्स। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।